हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आर्बिट्ररी लेसन्स। तो इस वीडियो में मैं एमरेटी, जो कि एडमंड स्पेंसर ने लिखा था, उसकी सोनेट 67 रीड करूंगी। सोनेट 67, मैंने सोनेट 34 ऑलरेडी मेरे पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, और सोनेट्स क्या होते हैं ये भी मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ पर चेक कर सकते हैं वो वीडियो, जिसकी लिंक मैं यहाँ डाल रही हूँ। तो ये पोएम शुरू करने से पहले मैं इसके बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ कि इन 14 लाइन्स में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पोएट ने क्या लिखा है। तो जो इसमें शुरू ऐसे होता है कि जो पोएट है वो एक हंट्समैन की तरह है, शिकारी की तरह है, जो कि एक डियर के पीछे पड़ा हुआ वो डियर को मारना चाहता है। लेकिन अब एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि वो डियर को मारना चाहता है। अब ऐसा है कि जो पोएट है, जो लवर है, वो शिकारी है, और जो डियर है वो उसका प्यार है। तो अब ऐसा है कि वो उसको पकड़ना चाहता है। तो शिकारी तो मारना चाहता है, लेकिन ये सिर्फ उसको एक तरीके से पोएट्री के रूप में बता रहा है कि वो उसको पाना चाहता है, और इसीलिए वो उसको मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब होता यह है कि वो बहुत दूर तक उसके पीछे भागता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो उस डियर को पकड़ नहीं पाता है। तो वो थक हार के वहीं बैठ जाता है। तो वो देखता है कि पास वाले ब्रुक में झरने से पानी पीने के लिए वो हिरन खुद ही वहां आ जाता है, क्योंकि हिरन को भी प्यास लगी हुई है। वो हिरन भी वहां आ जाता है। अब ये भी थक के वहां बैठा हुआ है, तो फिर ये उसकी गर्दन पे प्यार से हाथ रखता है, तो हिरन भी कुछ नहीं बोलता है। हिरन भी उसके साथ चुपचाप बैठ जाता है और उसको टच करने देता है। तो फिर ये खुद ही सोचने लगता है कि अरे, जो इतना मतलब एक जंगली जानवर है, उसने भी मतलब भगवान की इच्छा से अपने आप को छोड़ दिया, मेरे हवाले कर दिया। तो इट्स सच एन अमेजिंग थिंग। तो कहीं ना कहीं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो लवर के अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो ऐसे पता चलता है कि स्पेंसर जो है वो बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं अपनी लवर को अपने पास लेने के लिए, जो कि जिसकी वजह से कि वो जो उनकी लवर है वो उनसे दूर दूर भाग रही है। जिस तरीके से वो उनको पकड़ना चाह रहे हैं वो तरीका सही नहीं है, इसीलिए वो उनसे दूर भाग रही है। तो जब ये शांति से बैठ जाते हैं तो वो लवर खुद भी उनके पास आ जाती है, क्योंकि उसकी भी वही सेम डिज़ायर है जो कि स्पेंसर की है। तो ये जो सोनेट है ये पेट्रार्कन प्लस एलिजाबेथन वर्जन है, जहाँ पे कि एलिजाबेथन वर्जन में जहाँ पे कि जो लवर होते हैं वो कभी भी अपने ये जो आदमी है कभी भी अपनी लवर को पा नहीं पाते हैं, वो एलिजाबेथन वर्जन होता है। तो अब यहाँ से मैं पोएम रीड करना शुरू करूँगी। लाइक एज अ हंट्समैन आफ्टर वेरी चेस सीइंग द गेम फ्रॉम हिम एस्केप्ड अवे। तो एक हंट्समैन, शिकारी की तरह मैं उसका पीछा कर रहा हूँ और वो भाग रही है, तो वो ऑलरेडी भाग चुकी है, तो इसीलिए अब ये क्या करेगा, सिट्स डाउन टू रेस्ट हिम इन सम शेडी प्लेस। वो किसी छायादार जगह में बैठने के लिए रुक जाता है। विथ पैंटिंग हाउंड्स बिगाइल्ड ऑफ देयर प्रे। तो जो जंगली कुत्ते होते हैं वो जैसे अपने शिकार के पीछे भागते हैं, उस तरीके से। सो आफ्टर लॉन्ग परस्यूट एंड वेन ऐसे, तो क्योंकि वो बहुत देर से उसको परसू कर रहा है, वेन यानी जो किसी काम का नहीं है, जो फेल हो चुका है उन सब कोशिशों के बाद। When I already had the chase forsook, मैं जो पूरी तरीके से थक चुका हूँ वो चेस को मैंने छोड़ दिया है। The gentle deer returned the self same way, जो डियर जिसको वो पकड़ना चाहता था वो खुद भी उसी जगह वापस आ गया है। Thinking to quench her thirst at the next brook, पास वाला जो ब्रूक है, छोटा सा झरना है, वो वहां से अपनी प्यास मिटाने के लिए वो डियर खुद ही वहां पे आ गया है। There she beholding me with milder look, बिहोल्ड मतलब देखना, अब वो मुझे वहां बैठ के देख रही है। सॉट नॉट टू फ्लाई बट फियरलेस स्टिल डिड बाइट, वो भागने की कोशिश नहीं कर रही है लेकिन वो निडर है और वो वहां बैठी हुई है, उसे डर भी नहीं लग रहा है। टिल आई इन हैंड हर येट हाफ ट्रेम्बलिंग लुक, अब मैं वहां जाके उसको एक ट्रेम्बल यानी ऐसा जो हम शेक करते हैं, जो हम हिलने लगते हैं, थरथराना कांपना जिसे हम बोलते हैं, वैसा वो लुक उसे देता है। वैसे उस तरीके से वो अपने उन कांपते हाथों से उसको टच करता है। एंड विथ हर ओन गुड विल हर फर्मली टाइड स्ट्रेंज थिंग मी सीम टू सी अ बीस्ट सो वाइल्ड, और तो क्योंकि जब वो उसको टच करता है तो वो भी भागती नहीं है, वो कुछ बोलती नहीं है, वो डियर उसको वो टच करने देती है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक बीस्ट यानी राक्षस जो इतना वाइल्ड जंगली है, सो गुडली वन विथ हर ओन बिगाइल्ड, लेकिन अब इसको मैंने जीत लिया क्योंकि वो खुद ही मुझे अपने समर्पित कर रही है, एक तरीके से वो मुझे अपने आप को दे रही है। तो ये तो इसका लवर वाला कॉन्टेक्स्ट हुआ। इसके लिए एक क्रिश्चियन कॉन्टेक्स्ट भी है कि जैसे जीसस क्राइस्ट जो है, जब उनको हम अपने आप के हवाले अपने आप को हम उनके हवाले कर देते हैं कि हमारा कुछ नहीं, जब हम थक हार के सब कुछ छोड़ देते हैं कि मेरे बस में तो वैसे भी कुछ नहीं है, लेट इट गो, तो हम जब लेट गो कर देते हैं उस वक्त, और हम माफ़ी मांग लेते हैं कि ठीक है मुझे माफ़ करो, वैसे भी मैं तो कुछ नहीं हूँ, उस वक्त जो क्राइस्ट है
वो आपको आपके पेनेंस के लिए, आपकी आप जब अपने गलतियों की माफी मांगते हो तो क्राइस्ट भी आपको एक्सेप्ट कर ले तो क्राइस्ट भी आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये उससे भी एक कनेक्शन है इसका, इस सोने 67 का। तो एज यूजुअल इसके नोट्स मैंने यहाँ लिंक में ऐड किए हुए हैं, प्लस मुझे जहाँ से पोइम्स मिली और जो भी एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह हैं वो सब लिंक्स हैं, वो सब मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं सोनेट 77 रीड करूँगी और एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। आई होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।